किसानों के भारत बंद का बहादुरगढ़ में पूरा असर देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ में रेलवे स्टेशन के ठीक साथ में रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हैं, मेट्रो स्टेशन के ठीक साथ में भी किसान बैठे हैं और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर भी किसान बैठे हैं। ये इस वक्त मैं आपको जो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ये बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे नंबर 9 का दृश्य है। यहाँ से लेकर टीकरी बॉर्डर तक, यानी कि टीकरी बॉर्डर पर जहाँ स्टेज लगी हुई वहाँ तक किसान ही किसान बैठे हैं और इस चौक का नाम किसान चौक किसानों ने रख दिया है। लगातार आंदोलनकारी इस किसान चौक पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है, एक तरफ ट्रक लगा खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं। इमरजेंसी सेवाओं के लिए बैरिकेड को हटाकर आने जाने की सुविधा भी दी जा रही है। कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस आई, मेडिकल इमरजेंसी के जो लोग हैं या एग्ज़ाम देने के लिए कोई जा रहा है उसको भी जाने का रास्ता दिया जा रहा है। इस गाड़ी में एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं तो उनको भी जाने दिया जा रहा है, उनका जो एडमिट कार्ड वगैरह देख के। उसके बाद जैसे ही वो गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो तुरंत बैरिकेड लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर किसान इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हैं सरकार के खिलाफ। किसानों का भारत बंद बहादुरगढ़ में पूरी तरीके से सफल है। कुछ किसान हैं जिनसे बात करेंगे कि भारत बंद का असर, जो भारत बंद का आपका मकसद था, क्या आप सफल होता नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, हम हमेशा हर जगह सफल हुआ है किसान, चाहे खेती हो चाहे रोड पर हो, और आज का हमारा भारत बंद भी ये सफल होगा। इसमें हमारे सभी किसान भाई हमारे साथ लगे हुए हैं और हम हमारे बंद को बिल्कुल सफल बना के रहेंगे। बंद को बिल्कुल सफल बना के रहेंगे। अब तक हाल फिलहाल की जो स्थिति है, भारत बंद पूरी तरीके से सफल है। रेल, सड़क और मेट्रो पूरी तरीके से बाधित है बंद का कारण। चलिए आप बताइए, बंद का ये जी पूरे देश में संदेश जाए जी, किसान इसलिए परेशान हो रहे हैं, ये बार बार बंद का ये हमारा ये भी संदेश देना है पूरे देश की जनता को, ये संदेश पहुँचाना भी है। किसान परेशान है, इसके लिए जागरूक हो, सभी जागरूक हो गए, इस लड़ाई को लड़े जो किसानों को ये परेशान कर रहा 10 महीने से। इतनी गर्मी में इतनी बरसात झेली, इतनी ठंड झेली है और यहाँ सड़क पर डटे हुए, हमारा बंद का ये भी मकसद है सभी को संदेश जाए, बात का पता चले कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर। किसान अपने दर्द को बताने के लिए, आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है और ये जो बंद है, भारत बंद है, ये भी उसी आंदोलन का एक हिस्सा है। इस बंद के जरिए ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किसान परेशान है और उसकी परेशानी का समाधान सरकार के पास है, लेकिन सरकार उसकी समस्या सुन नहीं रही है। ये देखिए, ये कुछ पंजाबी में लिखे हुए बैनर्स भी हैं। तमाम बैनर्स जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उसमें भारतीय किसान यूनियन का ही नाम होगा। क्या मकसद है इस भारत बंद का और क्या वो मकसद आप सफल कर पा रहे हैं? हमारी सरकार को यही बेनती है कि जो तीनों काले कानून बंद होने चाहिए, रद्द होने चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए सरकार को। सरकार गूंगी बैरी हो रही है, जो किसानों की सुन नहीं रही। इतने दिनों में इतनी बारिश हो रही है, इतनी आंधी आ रही है तूफान में, तभी किसान बैठे हैं। किसान को कोई, किसानों का कोई सरकार को दर्द नहीं है किसानों के लिए। किसानों के लिए सरकार के मन में कोई दर्द नहीं है और यही आपका दर्द और इसी दर्द को बताने के लिए। हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन जो संवाद है, हर बातचीत से ही हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन आप लोगों का तो संवाद ही सर, बातचीत कई बार मीटिंग भी रखी है किसानों ने, लेकिन सरकार आगे आना ही नहीं चाहती। तो फिर समाधान कैसे होगा? समाधान सरकार खुद चाहेगी कि बात करें हम किसानों के पास में, आगे किसी भी मंच पर आगे सरकार बात कर सकती है। हमें सरकार से कोई बैर भाव नहीं है, सरकार किसान। सरकार के जो आदमी हैं और सरकार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि किसान हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, कि सरकार चाहती है कि समाधान हो जाए, बीच बचाव जो होता है मामले का संशोधन हो जाए। सरकार चाहती तो कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, आप भी बीच में रिकॉर्डिंग करते हो, आपके पास प्रूफ है कितनी मीटिंग हो चुकी है। उन मीटिंगों से सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। आज तक 11 महीने आज पूरे हो चुके हैं, एक दिन फालतू हो गया, 27 तारीख हो गई है, 26 नवंबर को किसान यहाँ बैठे थे, उससे आज तक सरकार ने कितनी मीटिंग रखी है। वैसे 1 फरवरी तक लास्ट थी, 22 जनवरी लास्ट थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। क्यों? किसान दुख में अपना रोड जाम नहीं करे। बिल्कुल, ये भी सच है कि 26 जनवरी को जब किसानों ने ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकाली थी, उसके बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। उन बंद दरवाजों को खुलवाने के लिए ही इस तरह के जो आयोजन है, भारत बंद है और दूसरे प्रोग्राम जो संयुक्त मोर्चा देता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो बातचीत के बंद दरवाजे खुलें और किसी भी तरीके से किसानों की समस्या का समाधान निकले। कैसे निकलेगा आपकी समस्या का समाधान? सरकार तो कह रही है कि आप लोग हट पे हैं। सरकार तो बहुत कुछ कही जाती है, किसानों ने 10 महीने हो गए थे बैठे सानू जी, बात करने जानू का जी करता है, जो उस काम तो नहीं आती है,
ਵਧੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਘਰ ਗਏ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਘਰ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਬੱਚੋ ਕੀ ਖੇਤ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ याद तो सताती है खेतों की भी याद तो सताती है घर वालों की भी लेकिन उन खेतों को बचाने की लड़ाई है और उस लड़ाई को जीतने के लिए यहाँ दिल्ली के मोर्चों पर डटे हुए हैं भारत बंद की जिम्मेवारी की भी विचार करनी चाहिए अभी कि उन्होंने सरकार ने कारोबार बंद कर दिया तो अभी भारत बंद तो कि जिम्मेवारी हुई फिर आ भारत बंद की अच्छा सही गौना निगाह मारीे तो फिर मजबूरी है भारत बंद करना भारत बंद करके कोई ये लोग खुश थोड़े हैं ये लोग नहीं चाहते कि आम आदमी परेशान हो इन लोगों को तो आम आदमी का साथ चाहिए आम आदमी का सहयोग चाहिए लेकिन आम आदमी भी परेशान है आम आदमी भी चाहता है अब जो इस भारत बंद से जो परेशान लोग हो रहे हैं वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरी समस्या का समाधान निकले सरकार आए बातचीत करे किसानों से लेकिन बातचीत हो नहीं रही समाधान होगा कैसे देखो ऐसा है हमारी धरती बंजर हो जाएगी और 10 साल हमारी धरती पीछे चली जाएगी अब गवर्नमेंट को हम ये चाहते हैं कि जल्दी ही हमारा फैसला ले ले गवर्नमेंट और हम गवर्नमेंट की मानेंगे देखो ना जायज तो कोई मानता नहीं लेकिन हम गवर्नमेंट की जायज मानेंगे और हमारा फैसला गवर्नमेंट ले ले और हमारी धरती बंजर हो जाएगी तो हम 10 साल फिर गवर्नमेंट तो फैसला ले चुकी है कि जो आपकी दिक्कतें थी कानून में हम उनको संशोधन कर देते हैं बदल देते हैं उन चीज़ों को लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे नहीं कानून तो वापस नहीं होता ग्रंथ छप गई है इतिहास हो गया है वो लेकिन ये है ना गवर्नमेंट हमारा सहायता कर दे और हम रोड से उठ जाएं और अपनी धरती जायदाद को हम संभाल लें जोत लें उसको धरती को लेकिन हिंदुस्तान में बहुत घाटा हो जाएगा हमारी जायदाद है ना वो बहुत खराब हो जाएगी बंजर हो गई है धरती सरकार से जमीनों को बचाने की लड़ाई ये किसान लड़ रहे हैं और देखिए इनके नारेबाजी देखिए जोश देखिए सुबह से ही यहाँ पर इस सड़क पर और इस वक्त धूप भी तेज हो चुकी है और किसान धूप भी सह रहा है सर्दी बारिश सब सहा गर्मी भी सही लेकिन ये किसान तब तक इन मोर्चों को नहीं छोड़ेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती कुछ और किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे दोबारा से समस्या है तो समाधान भी होता है लेकिन समाधान आपकी समस्या का सरकार के पास है और उस सरकार के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हो चुके हैं सरकार कुछ भी करो सरकार ये कानून उस व्यापारियों के लिए बनाया है सरकार ने कह किसानों पर थोपा है ये जी कानून तो व्यापारियों तक बनाया है भले किसान का ये किसान कहाँ का स्टोर कर सकता है अनाज को व्यापारी का कानून है प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि आप लोग किसानों की आय दोगुनी करने वाले कानून है ये आय दोगुनी करने वाले आज तक मोदी सरकार ने किसान का एक फायदा तो गिनती करा के दिखाए ये कह रहा है किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी की अभी पीछे MSP क्या गन्ने का दाम बढ़ाया 40 रुपए में MSP बढ़ोतरी 1.5% की बढ़ोतरी होती है जी पूरे एक साल में जी और इसमें रेट कितना बच जाता है जी खाद बीज का इसका डीजल का 1.5 गुना रेट बच गया जी अब की बार के आधे किसानों ने फसल भी नहीं लगाई जी धान की जी इतना डीजल तेज हो जाने के कारण जी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है और जो जिस प्रोडक्शन कॉस्ट के मुकाबले जो MSP बढ़ाया है उसको यूं कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा है हाँ जी उठ के मुंह जीरा भी है जीरे से भी लो मान के चलो जी ये मतलब एक मजाक कर रहा है जी किसानों के साथ ये एक बदाना के साथ मजाक हो रहा है बाबा क्या कहेंगे समाधान निकल जाएगा इस तरह भारत बंद करने से सड़कें रोकने से रेल रोकने से निकलेगा जरूर निकलेगा कहेंगे कुछ देखो जी घर सुनो हुण किवें हल होगा तुसीं दसो तुसीं भी भारतवासी हो तुसीं भी भारतवासी हो ना समस्या का समाधान संवाद से होता है लेकिन संवाद किसानों और सरकार के बीच जिसकी समस्या है और जिसने समाधान करना है दोनों के बीच बंद पड़ा है देखो जी ये जड़ी ना जनता की सरकार बच्चे ना इंसाफ बेइंसाफ हो रहा है ते बच्चा रो रहा है बस बेइंसाफ हो रहा है तनमाल सिंह जी गल बेइंसाफी हो रही है और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा इंसाफ की लड़ाई है खेती किसानी को बचाने की लड़ाई है कुछ और लोग भी हैं आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में या आप यहाँ से निकल रहे थे निकल तो रहे हैं बाकी हम किसानों के समर्थक ही हैं हमारा तो एक ही नारा है कि किसानों की मांगे जायज है और मोदी सरकार नाजायज है मेरा तो कहना यही है किसानों की मांगे जायज है मोदी सरकार नाजायज है ठीक है इन्होंने करा क्या है आप हिमाचल जाके देखो ना अडानी ने पहले छोटे किनको व्यापारी को खत्म किया जो 27 रुपए का सेब आता था किलो का उसने बोल दिया मैं तेरे को ना 40 रुपए में लूंगा आज उनसे जाके पूछो ना व्यापारी खत्म करके
₹15 का रेट दे रहा है, खत्म करेंगे और कुछ नहीं करने। हमें पता, हम परेशान हो रहे हैं ट्रैवलिंग करते वक्त, ड्यूटी पे जाना है, पर पता है इनकी मांगे जायज हैं। अभी क्या करेंगे, साथ बैठ जाएंगे? और आप जो कह रहे थे ना कि संवाद नहीं हो रहा, संवाद किन से करें? वे छुपे बैठे हैं संसद भवन में, कोई आता है बाहर निकल के? इनको मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए स्ट्रगल करते, 10 महीने हो गए, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पर करते हैं? बैंक में करता हूँ। बैंक में करते हैं आप? आज बैंक गए नहीं? फंसा हुआ हूँ, पर क्या करें, इनकी मांगे जायज, इनके साथ ही मैं अब स्ट्रगल करते निकल जाएंगे, जाने देंगे, ठीक बनेंगे, साथ बैठ के वो कॉपी लेंगे, क्या कर सकते हैं? 4 बजे के बाद जाएंगे? हाँ, 4 बजे बाद चले जाएंगे, छुट्टी चल जाएगी, क्या दिक्कत? कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इनकी मांगों से सहमत हैं, कुछ हैं जो असहमत हैं, और सहमत और असहमति लोकतंत्र का सुंदर सा पॉइंट है कि लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि असहमति भी होती है और सहमति भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी समस्या को समझते हैं, इनका दर्द समझते हैं, क्योंकि इनके दर्द के साथ ही आपका और हमारा दर्द जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और खेती किसानी पर संकट मानकर ही ये लोग यहाँ सड़कों पर डटे हैं, आज भारत बंद का ऐलान किया। इस भारत बंद के चलते सड़कें बंद है, रेल ट्रैक बंद है, मेट्रो भी बंद है। एक स्टेशन पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया, लेकिन आम आदमी इस भारत बंद के चलते परेशान है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले अपने काम कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पाए, दिल्ली जिनको जाना है, रोहतक जिनको जाना है, उनको भी परेशानियां हुई, इमरजेंसी व्हीकल्स को जाने का रास्ता दिया गया। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएँ, ये सारी परेशानियाँ जिसको भी आई हैं, किसानों को भी आई हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें बात रखनी है अपनी, हम कंक्लूड करने से पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या दिक्कतें हैं आपकी, क्योंकि आम आदमी को तो दिक्कतें हैं। देखिए आप वो पैदल जा रहे हैं आपके बंद के चलते। हमें 10 महीने हो गए, हमारी दिक्कत नहीं दिखाई दी भाई आम आदमी को, सरकार को 10 महीने हो गए। हम 700 ज़्यादा साथी दे चुके हैं, हजारों मुकदमे लगवा चुके हैं, और भाई हर रोज़ माछरा में गर्मी में 80-90 साल के बुजुर्ग जो घर बैठ कर सेवा करवाने के, उनके हाल देखो 10 महीने हो गए नड़ पड़े ने। आप लोग परेशान होकर सड़कों पर आए, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए तो नहीं आए? तो परेशान कहाँ कर रहे हैं, इमरजेंसी निकल रहे हैं, आम जनता भी मरा इस टाइम पे, आम जनता भी मरान खाती है जो उगाते हैं, तो वो भी तो खाती है ना, थोड़ी परेशान नहीं कर ले क्या दिक्कत है? हम तो 10 महीने आम जनता से सहयोग के साथ आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता का सहयोग है, बड़ा ज़बरदस्त सहयोग है, और इमरजेंसी के लिए हम तो खोल देते हैं इसको, किसी को पेपर देना है, ड्यूटी पे जाना है, या कोई एम्बुलेंस है उसको खोल देते हैं, कोई दिक्कत। एक बार पहले भी भारत बंद किया था, वो भी सफल रहा था, इस बार फिर भारत बंद किया, और जहाँ पर हम खड़े हैं, जो स्थितियाँ हमने देखी हैं इस आंदोलन स्थल पर बहादुरगढ़ के चारों तरफ, आपका भारत बंद सफल है। लेकिन क्या भारत बंद सफल होने से जो बातचीत के दरवाजे बंद है खुल पाएंगे, या कुछ और भी करना पड़ेगा? देखो ये तो बस एक, ये मान लो आप, हम नहीं चाहते अशांति फैलाएं, शांतिपूर्ण तरीके से 10 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार के पास में कम से कम श्री नरेंद्र मोदी जी के पास 10 चिट्ठी जाली किसान संयुक्त मोर्चा की, बातचीत करो बातचीत करो, मीडिया के सामने तो बोल देते हैं हम बातचीत करेंगे, मगर पीछे से नहीं करते। वो हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला ले, अगर ना लेती है तो हम जो भी है संसद भवन घेराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए किसान चाहते हैं कि बातचीत हो, वो भी तो समाधान चाहते हैं, घर बार छोड़ के, खेत खलिहान छोड़ के सड़कों पर बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, इन सड़कों पर बैठे हैं तो समस्या के समाधान के लिए, तीनों कृषि कानूनों पर जो उनके डर हैं उन डरों को ख़त्म करने के लिए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए। लेकिन सरकार से जो बातचीत के दरवाजे बंद पड़े हैं, संयुक्त किसान मोर्चा तो बातचीत के लिए चिट्ठी तक लिख चुका है, प्रधानमंत्री ने कहा था बातचीत एक कॉल की दूरी पर है, तो प्रधानमंत्री जी ये लोग भी चाहते हैं कि बातचीत हो, वो कॉल इनकी तरफ से जा चुकी है आपके पास, अब आपकी कॉल का इंतजार है, और जैसे ही बातचीत शुरू होगी समाधान भी निकल आएगा, और इसलिए भारत बंद जैसी स्थिति दोबारा से ना आए। सरकार से आम आदमी भी यही गुहार करता है और ये किसान भी यही गुहार करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द निकले, बातचीत के दरवाजे खुलें, बातचीत की टेबल पर किसान और सरकार बैठे, और तीनों कृषि कानूनों पर किसानों का डर खत्म हो। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।